नमस्कार साथियों, द जिज्ञासा टॉक्स के इस पहले एपिसोड में हम जिस शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं उनकी अब तक की जिंदगी के पन्ने कई रंगों से भरे हुए हैं। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में नवोन्मेष के कई प्रयोग के हिस्से शामिल हैं, राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं शामिल हैं और साथ ही साथ क्रांति की कई कहानियां भी शामिल हैं। हम आज रूबरू होने जा रहे हैं डॉक्टर के एस राणा सर से, जो वर्तमान में मेवाड़ विश्वविद्यालय राजस्थान के कुलपति हैं। इससे पहले वो पहाड़ के सुदूर छात्र छात्राओं के जीवन में शिक्षा का उजाला लाने वाली कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति थे और वहां की उनकी कार्यशैली पूरे देश में प्रसिद्ध थी। हम शुरुआत करते हैं उनके जीवन के पन्नों को टटोलने की, खुद उन्हीं के जुबान से। मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि आपसे किस क्षेत्र से संबंधित सवाल से शुरू करूं, क्योंकि आपके इतने विषयों पर महारत हासिल है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ सबसे पहले आपकी आजकल की वर्तमान जिंदगी के बारे में बात करते हैं। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ अच्छा ही लगता है, और जो सोच के जाता हूँ वो ये कि हमें कुछ बेटरमेंट देने के लिए यात्रा करनी है। मैं बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी, जो ऐतिहासिक देन है, वहाँ से मैंने नैतिक यात्रा कुलपति के रूप में शुरू की। वहाँ के दो विश्वविद्यालयों का चार्ज मेरे पास रहा, आरा यूनिवर्सिटी भी मेरे पास थी, और शायद वो जो काम मैंने वहाँ किया उसको लेकर के कुछ सटायरिंग कमेंट समाचार पत्रों में उस समय साया हुए थे। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राजभवन में आकर के राज्यपाल महोदय से कहा कि मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है, राणा साहब बड़े डायनेमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, तो उनको एक काम सौंप दिया जाए। उस समय समाचार पत्रों में वो छत्ता था कि बच्चे एक दूसरे को पकड़ के सीढ़ियों से नकल कराते थे, किताबें साथ बांध के ले जाते थे। हाँ, ये समाचार पत्रों में भी मीडिया में भी जाया हूँ, तो सबसे पहले वो टास्क मुझसे पूछा उन्होंने कि आप इस काम को कर दें तो बहुत अच्छा रहे। हमने कहा जरूर कर देंगे, हम तो आगरा यूनिवर्सिटी से चले हैं और वहाँ पर फ्लाइंग स्क्वाड के इंचार्ज रहते थे, 8-10 जिलों के बीच का था, उसमें हमने इसमें महारत हासिल है। तो मैंने कहा दो मांगे हैं मेरी आपके साथ कि आप मुझे एक स्क्वाड जरूर दें, क्योंकि नया क्षेत्र है, मेरी स्टडी में नहीं है। तो पुलिस स्क्वाड आगे रहे पीछे भी रहे, तो पहले मैं एक राउंड लगा लूँगा, उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा। लेकिन इतनी मेरी स्टडी थी वहाँ बिहार के बारे में, मैं एक पॉजिटिव ओपिनियन बता रहा हूँ कि वहाँ बच्चे पे शर्ट पूरी नहीं है, पजामा फटा हुआ है, पेंट फटा हुआ है, लेकिन बड़ा मेहनती है। ऐसे झाड़ियों के बीच में किताबें लेके बच्चे पड़े रहते थे पूरे दिन, क्लास खाली है भरी है होने से मतलब नहीं, क्लास है तो पहुंच गए, नहीं है तो झाड़ी के पास बैठे हैं। और दो तीन लोग जो बिहारी कल्चर होती है पूर्वांचल में, हमारे में यूपी में भी है, कि वो एक दूसरे से डिस्कशन में बहुत कुछ सीख ले आया करते थे। इतनी सीख और इतना ज्ञान वो लोग उस कैंपस में और गार्डन में सीख ले जाते थे कि उतना शायद क्लासरूम टीचिंग नहीं दे पाते। तो वहां से मैंने प्रेरणा ली कि बच्चों को हम लोग पॉजिटिवली लें, हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि छात्र जीवन में जो आते हैं उनमें उद्दंडता भी होती है। लेकिन मुझे शुरू से छात्र राजनीति मेरे करीब रही है, मैं खुद आगरा यूनिवर्सिटी छात्र संघ में रहा और आगरा के छात्र संघ का पैटर्न भी रहा, तो उस समय भी मैंने देखा जो बच्चे उद्दंड थे वो चाहे प्राचार्य को बीसी को न समझे, लेकिन जब मैं आता था तो बड़ा सम्मान देते थे। और उसका रीजन ये था कि उन बच्चों को ये आशा थी मुझसे कि ये छात्रों के हितैषी हैं। मैं छात्रों के नेगेटिव काम लाइफ में कभी नहीं किया, क्योंकि हम जानते थे ये वो प्रयोगशाला है जिसमें से हमको कुछ रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके नया रूप, नई रचना करके देनी है। तो मैं छात्र को गया नालंदा के, बिहार के कई जगह उन संस्थानों में जहाँ पर समाचार पत्र उछालते थे कि यहाँ पर बहुत निकल है, मैं गया और छापे डाले, बच्चे पकड़े, लेकिन पुलिस एक्ट लागू था, मैंने पुलिस का सहारा नहीं लिया। मौके पर ये था, मेरे संग 4-5 लोग फैकल्टी के भी रहते थे, वहाँ के लोकल लिए थे, तो जितना डराया धमकाया, यहाँ तक के चांटे भी दे दिए बच्चों में, लेकिन नकल में हमने पुलिस केस करके नहीं दिया। उससे एक मेरा बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया कि वो कुलपति इतने दयालु भी हैं कि जब पकड़ते हैं नकल को, तो नकल पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसको कोई आजीवन कारावास देने जा रहे हैं, वो उसको सिखाने के लिए कॉपियां ली, मार दिया, चांटे दिए, छोड़ दिया।
ये मेरी आदत में शुरू से था, अगर यूनिवर्सिटी से भी था ये। मतलब प्यार में चांटे देते थे? हाँ, चांटे दिएगा, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, पढ़ते क्यों नहीं हो, क्लास में क्यों नहीं जाते हो। अब जो बच्चे पढ़ते हैं उनका क्या पाप है कि तुम यहाँ नकल करके जो काम करोगे, वो बेचारे मेहनत करके आ रहे हैं, तो मेहनत करना सीखो ना। तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में ये किताब काम नहीं आएगी, ज़िंदगी में तुम्हारा ये दिमाग काम आएगा। इस एंगल से उनको समझाते तो बच्चों को समझ में गई। शुरू में तो मेरे अखबारों में वहाँ पे लिखा गया कि चंबल का कोई माफिया आ गया है कुलपति ऐसा वहाँ अखबारों में छपा। हाँ, तो लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। वो चीज़ धीरे धीरे पॉजिटिविटी में बदलती गई। वही मीडिया जो ये लिख रहा था वो कह रहा था कुलपति ने यहाँ का वातावरण सुधार दिया। जनरली ये देखा जाता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में कुलपति और छात्रों को हमेशा बहुत जगह एंटी ही माना जाता है, कि कुलपति जो करेंगे छात्र संघ उसका विरोध करेंगे। कभी भी कुलपति ऐसा देखा नहीं कि छात्रों के बीच में जाकर के उनको सुधारने के प्रयोग कर रहे हो। वो संवादहीनता है, वो उसका बेसिक कॉज ये है कि कुलपति संवादहीनता में रहते हैं। मैं नैनीताल में था तो मुझे मालूम पड़ा कि वाइस चांसलर चैम्बर जहाँ है उसको मैंने तुड़वा के पूरा बड़ा चैम्बर बनवाया 30x60 का, और ग्रिल लगी हुई थी 3-4, क्योंकि कुलपति से छात्र भी नहीं मिल सकता, शिक्षक भी नहीं मिल सकता, कोई नहीं जा सकता वहाँ तक। कुलपति के 4 ऑफिसर होते हैं अंडर के, OSD होगा, PS होगा, PA होगा, स्टेनो होगा, फिर उसके बाद रजिस्ट्रार बाहर आता है, फाइनेंस कंट्रोलर आता है, तो वहाँ से मिलके वो लौट जाते थे। एग्जामिनेशन का मैटर है तो फाइन एग्जाम कंट्रोलर वो देखते थे और लौट जाते थे। लेकिन मैंने कहा सब ताले खोल दो, मैं ताले में बंद रहने वाला कुलपति नहीं हूँ, मैं बच्चों के बीच में जाकर के काम करने वाला आदमी हूँ। मैंने सारे गेट खुलवा दिए और बस ये प्रोटोकॉल बना दिया कि जो जिससे रिलेटेड वर्क है वो रजिस्ट्रार स्क्रूटनी करेगा, मेरा OSD वहाँ होगा, तो दे विल स्क्रूटनाइज दी मैटर्स दैट हाउ इट इज़ प्रोड्यूस बिफोर मी और टू गवर्नमेंट और कैन बी सॉल्व ऑन लोअर लेयर। कुलपति गार्जियन ही होता है बेसिकली। तो हम छात्रों के बीच में गए, कई छात्र संघ अध्यक्ष पुराने आए तो वो इस बात के लिए साधुवाद देते हुए आते थे मेरे PS को, LG को, कि ऐसे कुलपति हमको पहली बार मिले जो सारे ताले खोले खुले हम सबसे बात करते हैं। तो पुराने छात्र संघ अध्यक्ष जो आते थे, आंदोलनकारी आते थे, गेट तक हल्ला करते आते थे, जब मेरे पास आते थे पहुँचते थे तो वहाँ से लौट के जिंदाबाद करते हुए लौटते थे। मैं, क्योंकि आपने कुमाऊँ की बात की इसलिए मेरे जहन में किस्सा आ रहा है कि एक बार अल्मोड़ा में कोई कॉलेज था, वहाँ कोई मैटर हुआ था जो शायद NDTV वगैरह पे भी आया था। क्या था वो किस्सा? बागेश्वर एक नेपाल बॉर्डर पे हमारा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, PG लेवल का, बहुत पुराना है। उस बागेश्वर कॉलेज में एक आंदोलन चला, उसमें मुझे याद है उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि NDTV पे चल रहा है और रवीश कुमार से मेरी बात हुई है। बोले मैंने उनसे कहा है कि आप जानते हैं वहाँ के कुलपति को, कुलपति को ने उनसे आपने पूछा, इंटरेक्शन किया है? तो उन्होंने मना किया कि मैंने उनसे बात नहीं की है। तो उसको सुझाव दिया कि आप उनसे बात करिए एक बार। मुझे मालूम है जो मीडिया क्लिपिंग आती हैं उसमें उनका इतना पॉजिटिव रोल है कि वो किसी मैटर को अनसुलझा छोड़ते ही नहीं है। दूसरे दिन सुबह मेरे OSD पर फ़ोन आया यूनिवर्सिटी नंबर पर, उन्होंने कहा वो बात करना चाहते हैं रवीश जी आपसे। तो मैंने अच्छा दो बात करो, बात हुई तो वो कुलपति जी माफ़ करना, वहाँ कोई घटना चल रही थी, शायद आपके कोई छात्र रहे होंगे, आपके बेल बिशर होंगे, उन्होंने मुझे ये सूचना दी आपके बारे में, मुझे नहीं जानकारी थी, तो उस पर मैं आपसे कुछ जिक्र करना चाहूँगा। मैंने कहा रवीश जी मुझे ये बताइए, आपकी ये जानकारी में है कि वो कॉलेज का हमारी यूनिवर्सिटी से क्या कनेक्ट है? तो बोले मैं कनेक्ट से मतलब नहीं समझा, आपकी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है वो, मैंने यहाँ का स्ट्रक्चर समझ लीजिए पहाड़ का, ये है कि यहाँ पे मैगियों गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज बहुत कम है, और वो गवर्नमेंट कॉलेजों का मालिक जो है शिक्षा मंत्रालय डायरेक्टर के थ्रू होता है, सारी उनको सप्लाई फीडिंग उनको फाइनेंसिंग सारा कुछ वहाँ से होता है, यूनिवर्सिटी में ये कोई काम नहीं करती है। जो फैसिलिटेशन है वो केवल डायरेक्टरेट करता है ऑन बिहाफ ऑफ हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी। मेरी यूनिवर्सिटी में केवल एग्जाम कंडक्ट कराने का काम करती है, एडमिशन मेरी यूनिवर्सिटी के पोर्टल से होते हैं, उनको मॉनिटरिंग का काम हम लोग करते हैं। तो मैंने कहा आपने जिन बातों को वहाँ पर उछाला है वो मेरे संज्ञान में आ चुकी है और उसमें सारा मैटर डायरेक्टर हायर एजुकेशन से रिलेटेड है,
यूनिवर्सिटी से रिलेटेड केवल एक सवाल है कि हमारे यहाँ एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति होनी चाहिए। अब वो 250 किलोमीटर दूर है हमसे, पहाड़ पे है, मैं जानता हूँ पहाड़ की क्या ध्रुवताएं हैं, लेकिन असिस्टेंट रजिस्ट्रार कॉलेजों में नियुक्त करने का कोई प्राविधान ना एक्ट में है ना शासन आदेश में है। लेकिन उसके बावजूद मैंने बीच का रास्ता निकाल करके उन छात्रों को सुझाव दिया है कि आप प्रिंसिपल से कहिए कि वो प्रिंसिपल अपने यहाँ से 3 नाम मेरे को सीनियर फैकल्टी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड एफिशिएंसी 3 नाम मेरे को रिकमेंड करें, मैं उसको नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दूंगा। ये मेरा ज्यूरिडिक्शन है, वाइस चांसलर की स्पेशल पावर्स में आता है। तो ये बात मैंने उसके प्रिंसिपल से कही, मैंने आपने इतने दिन आंदोलन चल रहा मुझे क्यों नहीं बताया कि सर हम डायरेक्टर साहब को इतने लेटर लिख चुके हैं, मंत्री जी को लिख चुके हैं। मैंने कहा तुम ये बताइए यूनिवर्सिटी में कोई आंदोलन है, कोई छात्र आपका कॉलेज चल रहा है, तो उसमें कहीं मेरे को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, आपने क्यों नहीं बताया मुझे। मैंने कहा मैं आपसे जवाब तलब कर सकता हूँ, उसका शासन मुझे नहीं रोकेगा। तो प्रिंसिपल भी थोड़े घबराए, मैंने कहा आप 3 नाम भेजिए मेरे पास और सवेरे आप आकर के मुझसे उनका वो ले जाइए लेटर, मेरा रजिस्ट्रार आपको लेटर देगा मुझसे ऑर्डर करा के अप्रूवल लेंगे। हमने एक आदमी वहाँ पर नॉमिनेट कर दिया नोडल ऑफिसर, कि वो ऑफिसर जस्ट लाइक असिस्टेंट रजिस्ट्रार काम करेगा बट ही कैन नॉट बी डेजिग्नेटेड एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार। वो नोडल ऑफिसर के थ्रू आपकी प्रॉब्लम हमारे पास तक आएंगी। और मैंने अपने एक OSD को डेपुट कर रखा था अपने रेजिडेंस पे कि जो भी बच्चों की प्रॉब्लम आए उनको वहाँ से उठाएं, अगर 9 बजे तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो वो डायरेक्ट आपको कॉल कर सकते हैं। उसी बीच में मैंने काम किया कि वहाँ गेम्स का बड़ा क्रेज है पहाड़ में, बच्चे फौज में जाते हैं, गेम्स में जाते हैं या बड़े अच्छे मेडल लाते हैं। तो मैंने गेम्स कमेटी की मीटिंग बुलाई और सेक्रेटरी को कहा, मिस्टर नागेंद्र शर्मा थे, उसको बुला के मैंने एक प्रस्ताव किया कि आप यहाँ पर कोई ऐसा मॉड्यूल डेवलप करें कि जो बच्चे यहाँ से निकल के दूसरे कॉलेजों में जाते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाते हैं, कहा कि मैं उनको एडमिशन दूंगा अलग से, क्योंकि हमारे यहाँ की प्रतिभा है वो किसी प्राइवेट कॉलेज में दूसरी यूनिवर्सिटी में जाती है एडमिशन लेके, तो उसका हमारे यहाँ से तो प्रतिभा पलायन हो गया ना, कि वो मेडल जो हमारी यूनिवर्सिटी के नाम जुड़ने थे वो मेडल दूसरी जगह जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। तो वो मैंने 2% रिजर्वेशन लागू कर दिया गेम्स के बच्चों के लिए, कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं जो प्रतिभा दिखाते हैं खेलने में उनको 2% सीट रिजर्व की जाएंगी। वो पहली दफ़े हुआ पहाड़ में और उसका रिजल्ट ये मिला कि 40-45 कॉलेजों में मुझे बुलाया छात्रों ने, और सर जहर पहाड़ पर जिंदाबाद हो गई कि आपने गेम्स के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। मैंने आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था तो एक चीज़ पता लगी, कई आपके ही साथियों ने ऐसा बताया कि वो सक्रिय राजनीति के मटेरियल थे लेकिन उन्होंने रास्ता थोड़ा सा बदल लिया, ये क्या कारण रहा? आपकी राजनीति पे अभी आगे बात करेंगे लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप सक्रिय राजनीति के पार्ट क्यों नहीं बने? असल में मेरी घरेलू परिस्थिति भी थी और बेसिकली मैं एकेडमिक पर्सन था। मेरा CPMT में सिलेक्शन हुआ, वो जमाने में CPMT होती थी, उस टेस्ट में मैंने क्वालिफाई किया, लेकिन मेरा टेस्ट था कि मुझे आगरा कॉलेज प्रोफेसर बनना है, इतनी प्राइम इंस्टीट्यूट है, तो इस चक्कर में मैंने CPMT छोड़ दी और मैं डायरेक्ट BSc की तरफ चला गया। मैं जब MSc करके PhD कर रहा था तब सिलेक्शन हुआ आगरा कॉलेज में, तो लेक्चरर की पोस्ट थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है आजकल। उस समय मैं यूथ पॉलिटिक्स में भी था, उस यूथ पॉलिटिक्स में मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष तक चला गया और अंत में मैं राष्ट्रीय महामंत्री भी बन गया, जो मोहन प्रकाश आज कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे यूथ के, उससे पहले शरद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे यूथ के, मैंने उनके नेतृत्व में काम किया, मैंने जेल यात्रा भी की उसमें। और जो इनकी हिमालयन कार रैली निकली थी उसमें मैं जेल गया, कन्फाइंड टू जेल 5 दिन तक मुझे किसी मकान में अरेस्ट करके रखा गया, मेरे साथ 15-20 लोग थे। लेकिन उसका कारण ये था कि मेरे परिवार से मुझसे बड़े ब्रदर जो करीब 15-16 साल बड़े थे उनको विधायक बनाया गया था। अब परिवार से 2 लोग विधायक तो नहीं बन सकते, 80 में वो विधायक बने, 85 में चौधरी चरण सिंह जी थे सर्वाधेश में, अटल जी भी उनके अंडर में काम करते थे,
चंद्रशेखर जी के उन्हीं के उसमें थे, वो गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, डिप्टी पीएम रहे, फिर अल्टीमेटली पीएम भी रहे। तो उनके नेतृत्व में ये हुआ कि 85 में चौहान ने मुझसे खुद कहा अपने मुंह से, शायद मुझे इससे बड़े गर्व की अनुभूति नहीं हो सकती, कि उनका बेटा तुम्हारी वर्किंग बहुत अच्छी है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, नॉर्थ ईस्ट में साउथ में तेरी हिंदी इंग्लिश दोनों पर समान कमांड है। मैं उनकी दो बुक्स हैं, एक इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी गांधीयन ब्लूप्रिंट और इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इन दोनों किताबों का हिंदी रूपांतरण मैंने किया था, तो उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और उनकी इंग्लिश बहुत क्लिष्ट थी, वो मैं एपिसोड अलग से बताऊंगा। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तू चुनाव लड़ ले 85 में, अब चुनाव लड़ ले चुनाव लड़ ले। अब मैं एक दफ़े तो उनकी बात को थोड़ा सा गौर करते हैं, जी सर देखता हूँ विचार करता हूँ ये वो। जब दूसरी बार उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तो उससे कहा है ना, मैं उसको टिकट नहीं दूंगा, तेरे भाई को टिकट घर में रहेगी और तू चुनाव लड़ ले, क्योंकि उसके खिलाफ मेरे पे फाइल बनी रखी है, बहुत शिकायतें हैं। तो मैंने उनको अपनी एक परिस्थिति बताई, कैसे मेरे आप कन्फर्मेशन में 3 महीने बाकी हैं, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए मुझे रिजाइन करना पड़ेगा जॉब से, और रिजाइन करके मैं सड़क पे आ जाऊँगा। और उस सीट जो है दयालबाग थी उस समय, उसमें चुनाव लड़ा तो 5-6 हज़ार का मटेरियल है, वो 5-6 हज़ार से हार जीत होती है। तो वो सीट सगा भाई जो मेरे फेवर में कमेंट नहीं दे सकता, तो वो विरोध कर दिया, तो 5-6 हज़ार वोट कट जाएंगे, चुनाव हार जाऊंगा और नौकरी न मैं एकेडमिक्स का रहूँगा न मैं पॉलिटिक्स का रहूँगा। तो इसलिए मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो इस बार चुनाव जीत जाएगा, वोट मेरे नाम से मिलता है, लेकिन वर्स्ट पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं तेरे को नॉमिनेट कर दूंगा। तो वो मेरे लिए इससे बड़ा वरदान नहीं हो सकता था कुछ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं की, क्यों घर की पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे थे, उनसे जब मैंने आके बात की, मेरे फाइनेंशियली मेरे पास समय कुछ था नहीं, केवल लेक्चरर था, तो मैंने उनसे आके कहा, तो वो कहने लगे अरे यार वो तो बिना पढ़े लिखों में गिनती है बड़ा वाला, और तू तो अपनी चॉइस की पोस्ट लेके आया है जबरदस्ती हम लोगों से भी झगड़ा करके, तो तू क्यों छोड़ना चाहता है, तू अपना काम कर, आगे जिंदगी बहुत पड़ी है, बहुत लाइफ में चांस मिल जाएंगे, तब देख लेना। ये सब एपिसोड था उसके पीछे। अब आपने क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया, ये सवाल भी हमने लिख रखे थे, तो इसलिए अब मेरी उत्सुकता मुझे जाग गई है जानने के लिए कि आपने उनकी जीवनी लिखी है, वो हमने पढ़ी है, बहुत लोगों ने पढ़ी भी है, तो ऐसी कौन सी उनकी बात है जो आपको ये लगता है कि तब के राजनेताओं में हुआ करती थी और आज वो नदारद है और उसकी आवश्यकता है? देखिए, एक चीज की मोदी जी से एक मीटिंग मेरी हुई थी, तो उन्होंने खुद तारीफ की थी चरण सिंह जी की, कि देश के पहले आदमी थे जिन्होंने नेहरू परिवार पे हाथ डाला था, इंदिरा गांधी को अरेस्ट किया था, तो बोले मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम उनके वट वृक्ष के नीचे चले हो। तो वो आज के तारीख तक वो बात उनकी तर्कसंगत है। दूसरी, उस आदमी में जो ईमानदारी थी, आप ताज्जुब करेंगे, आज के राजनेता तमाम ब्लैक कैट कमांडो ब्लू कैट कमांडो लेके घूम रहे हैं। मैं चरण सिंह के साथ गाड़ी में गया और उनकी गाड़ी में शैडो DSP रैंक का होता था, बीइंग XPM, और गाड़ी प्रोटोकॉल की मिलती थी, वो शैडो को हम कैसे चला आगे बढ़ गया, वहाँ उनके बराबर हम कुर्सी पर डाल के रास्ते में गप्पें करते हुए जाते थे, अपने इंटरव्यू से रिलेटेड बातें करते जाते थे। तो उनमें ये सहृदयता थी, इंटेलेक्चुअल क्लास को पसंद करते थे। उन्होंने 74 में लोकदल का गठन किया था, ये वाला लोकदल नहीं, वो अलग लोकदल था, उसमें 7 पार्टियां मिली थी देश की, उसमें नवीन पटनायक के पिताजी बीजू पटनायक थे, वो मुख्यमंत्री रहे थे, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे लोकदल के, पीलू मोदी थे, स्वतंत्र पार्टी थी उनकी, सब राजे महाराजे थे उनके साथ आए थे, सोशलिस्ट पार्टी के 3 घटक थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, तीनों का उसमें मर्जर हुआ। मुलायम सिंह 67 में फर्स्ट टाइम MLA बने थे, अब लोहिया जी के संसोपा के थ्रू, राजनाथ जी की संसोपा थी वो बेसिकली, जॉर्ज फर्नांडिस जी सोशलिस्ट पार्टी थी, उसके थ्रू वो लोकदल में समाहित हुए 74 में। तो उस यात्रा में ये था कि उस समय का राजनेता सारे बनावट से, राजनीतिक तामझाम से दूर रह करके,
कैसे लोगों में इंटरेक्ट करता है का ये था। जब बागपत से चुनाव लड़ते थे पार्लियामेंट या छपरौली से असेंबली, तो वो कभी कैंपेन करने अपने क्षेत्र में नहीं जाते थे, किसी गांव में नहीं घूमते थे। एक पंचायत बुलाते थे किसी चौपाल पे, और मैं जाके मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपसे सहयोग मांगने आया हूँ कि मुझे पूरे देश में या प्रदेश में काम करना है, आप लोग मेरे चुनाव की बागडोर संभाल दें। ये कहकर के वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दी और चुनाव जीतते थे, भारी बहुमत से जीतते थे। या तक के कांग्रेस में सीवी गुप्ता से उनका वो हुआ, सीवी गुप्ता उस समय सीएम थे, तो वो चाहते थे चरण सिंह चुनाव हार जाए, तो उन्होंने सारे अट्ठे पंजे लगाए, वो चरण सिंह क्षेत्र में गए नहीं और उसके बाद वो जीत के आ गए। उस जमाने में 60-65 हज़ार वोट से असेंबली चुनाव जीतते थे। एक उनका कंसेप्ट ये था कि वो जन सामान्य से घुले मिले थे, जनता के बीच में जुड़े हुए थे, जाति नाम की चीज उस आदमी को छू नहीं गई थी, कि उसकी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हमेशा ब्राह्मण होता था, एक पोस्ट थी, 5-6 सचिव नीचे हर कास्ट से आते थे। आज तुम बता दो कभी संभव है? कभी यूपी के यादव ने ये नहीं कहा कि चरण सिंह हमारा नेता नहीं है, हमारी बिरादरी का नहीं है। भूमियार ने और कुर्मी ने ये नहीं कहा कि हमारी बिरादरी का नेता नहीं है। चरण सिंह ने कभी अपने को जाट नहीं कहा, वो कहते थे भैया 25-26 एमएलए बनते हैं यूपी से जाट होंगे, मैं जाट बन के रहूंगा तो मुझे कौन नेता मानेगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया उस पद्धति पे चलते थे। एक बार मैं आपको एक उनके जीवन की घटना बताता हूँ। कर्पूरी को उन्होंने सीएम नॉमिनेट किया बिहार का, पूरी ठाकुर जी, कर्पूरी ठाकुर जी, वो पिछड़े वर्ग के वहाँ सम्मान नेता थे उस समय। और कर्पूरी का जीवन शायद आप लोगों ने समझा हो, कभी बिना प्रेस करा के कोई कपड़े नहीं पहनते थे, अपने हाथ से धोते थे, धोती और यहाँ के तकिए आधा कुर्ता और तकिए के नीचे रख लेते थे, प्रेस हो गई पहन के चल दी। वो पिछड़े वर्ग के नेता पार्लियामेंट आए थे जीत के 77 में, जो उनको सीएम नॉमिनेट कर दिया, बोला सीएम नॉमिनेट करने का राइट चरण सिंह के पास था, सब कुछ होते हुए भी, क्योंकि उनके इतने आत्मीय रिश्ते थे अटल जी से भी, मैं उसका एक घटना बताऊंगा। तो जब वो चुनाव पीक की तरफ आया तो कर्पूरी जी चौसा के पास आके खड़े हुए, गृहमंत्री थे, बोले चौसा आप चलिए कृपया करके, मैं चुनाव हार जाऊंगा। बोले कर्पूरी जी क्या बात कर रहे हो, आप तो पिछड़े वर्ग के एकमात्र नेता हैं बिहार के, आपको मेरे को ले जाने की जरूरत पड़ेगी। बोले नहीं साहब, मैं नहीं जीत रहा हूँ चुनाव जब तक आप नहीं जाए। क्यों? कि वहाँ एक राम जयपाल सिंह यादव है कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, यादव बाहुल सीट है मधुबनी असेंबली, मधुबनी हाँ, तो वहाँ पे मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा जब तक आप नहीं गए। चरण सिंह उस सीट गए, एक घंटा उनकी आदत थी मंच पे बोले, बोलने के बाद उन्होंने लास्ट में बस एक सेंटेंस कहा ऑपरेटिव, मुझे मालूम पड़ा यहाँ कोई नया लड़का आ गया है यादवों में से, वो कर्पूरी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। आप बिहारी सब लोग जानते हो कर्पूरी से पिछड़ा कोई नेता नहीं है, पिछड़े वर्ग का कोई हिमायती नहीं है, लेकिन मुझे इसलिए आना पड़ा कि वो नया लड़का यादवों का कह रहा है कि मैं यादवों का नेता हूँ। तुम जो बताओ हिंदुस्तान की संस्कृति में नौजवान का हक पहला है कि बुजुर्ग का हक पहला है? मैं तुम्हारा बुजुर्ग हूँ, वो तुम्हारा बेटा है, बताओ किसको वोट दोगे? नीचे चरण सिंह जिंदाबाद, चरण सिंह जिंदाबाद होके कर्पूरी जी 68 हज़ार वोट से चुनाव जीते। तो ये उसकी ताकत थी, उसने कभी एक जाट बन के राजनीति नहीं की। जैसे पिछड़े वर्ग के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, सारे वर्गों का समर्थन था उसमें, उनके लिए काम किया। अब जैसे एक घटना थी, जनसंघ वाले लोग चाहते थे, 4 सीएम अपने बनने थे उनके तय था, तो वो चाहते थे राजस्थान में रामदास अग्रवाल उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, वो चाहते थे इनको अध्यक्ष सीएम बना दिया जाए। आडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी ने नाम भेजा, नानाजी देशमुख भी थे उस समय, तो चौसा ने अटल जी को बुलाया, फोन किया, उससे कहा कि लड़के को बुलाओ अटल को। अटल जी आए, तुमसे भैया तुम्हारी पार्टी वाले लोग पागल हो गए हैं क्या? राजस्थान राजस्थल ही है, राजपूतों की भूमि है, उसमें तुम क्या नाम दिया है ये मेरे पास जो आई लिस्ट? अटल जी कान बोले, मेरी सहमति है आपके साथ, आप जरा आडवाणी जी से, लेकिन मेरा नाम मत लेना, ये कह देना कि मैं अपने विवेक से बना रहा हूँ, आप जो कहोगे मैं मान लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो किसको बनाऊँ? कि भैरव सिंह से आप परिचित? हाँ, अच्छा लगा है,
और उन्होंने चरण सिंह के कंधे पर रख के भैरव सिंह को मुख्यमंत्री बनवाया, भैरव सिंह शेखावत। तो मतलब चरण सिंह ये बात करते थे कि कहाँ किस चीज की एक्सेप्टेबिलिटी है। बीजू पंडा लोकदल के खाते में उड़ीसा में बने, यूपी में रामनरेश यादव बने, देवीलाल को हरियाणा दे दिया, प्रकाश सिंह बादल जेल में रह करके चरण सिंह के गारमेंट्स धोते थे, बगल के कमरे में रहते थे तिहाड़ जेल में इमरजेंसी में, उनको वहां नॉमिनेट किया, शांता कुमार को हिमाचल में किया, तो उन्होंने रामकृष्ण हेगड़े को बना दिया कर्नाटक में। तो मतलब उस आदमी के अंदर जाति नाम की चीज नहीं थी, लेकिन जाति कम्युनिकेशन बनाते थे। एक सवाल पूछ लूं इससे संबंधित, वर्तमान में जो लोकदल है, जो पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी के ही आगे के लोग चला रहे हैं, तो अब आप उसके बीच में फर्क संक्षिप्त में बताइए क्या हो सकता है, अब आपकी क्या राय है उसके बारे में? देखिए, वो मैं तो ये समझता हूँ वो पार्टी है ही नहीं, वो पंजीकृत पार्टी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद एक मीटिंग में बुलाया था कि हमारे आपसे 3 पीढ़ी के रिश्ते हैं। करेक्ट। तो वो सलाम मशवरा अलग बात है, लेकिन वो पार्टी की शकल तो बची नहीं है कहीं। जब चरण सिंह जैसा आदमी जो जन कांग्रेस बना के कांग्रेस से अलग हुआ, बीकेडी लेके पार्टी खड़ी की और बीकेडी से भारतीय लोकदल बनाया और अल्टीमेटली 7 पार्टियों को मिला के लोकदल खड़ा किया, तब जाके पार्टी बनी। तो पार्टी की शक्ल बनाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं अभी भी कहता हूँ कि अब पार्टी बनाना इतना आसान काम नहीं है। कल्याण सिंह जी 3 बार के चीफ मिनिस्टर थे और पिछड़े वर्ग के सर्वान धन नेता थे। मैंने चेन्नई में और आंध्र प्रदेश में कल्याण सिंह नाम के पोस्टर देखे थे, और जब वो लौट के पार्टी से छोड़ के निकले बाहर तो वो 3 MLA पर सिमट गए। और फिर उन्होंने धोख दी मुलायम सिंह जी दरवाजे पे, उस मंच पे गए यहीं आगरा के GIC गांव में ही देखा, और फिर उनको लौट के उसी पार्टी में जाना पड़ा। तो अब पार्टी चलाना इतना आसान काम नहीं है। पहले पार्टियाँ चलाने के लिए इतने पैसे की ज़रूरत नहीं होती थी जितनी आज पड़ रही है, क्यों अब तो पैसा लुटाया जा रहा है तब पार्टियाँ खड़ी हो पा रही हैं, पैसे ऐसा नहीं था। हमने चरण सिंह के मंच को देता था, भाषण देते थे, कैसे थे भैया तुम्हें मुझे लाना है वापस तो मुझे कुछ धनदान की व्यवस्था करा देना, और चद्दर बिछा दी जाती थी मंच पे, और जिसकी जेब में जो होता था सब पटक जाते थे, जो नेटों की डोरियाँ हो जाती, ऐसे चंदा होता था किसान की मीटिंगों में। तो उसमें और इसमें अब कहाँ है, अब तो पूंजीपतियों में गिरफ्त है सारी पार्टियाँ। पर देश के वर्तमान नेतृत्व के बारे में आपका क्या सोचना? देखिए, वर्तमान नेतृत्व में यह है कि कांग्रेस की जो खामियां थी उसका फायदा उठा के मोदी जी ऊपर आए। और एक बात मैं ताकीद से कहूँगा कि मोदी अपने शरीर से बिल्कुल ऑनेस्ट, डेडली ऑनेस्ट आदमी है, और वो केवल देश के लिए काम करता है, वो अपने लिए काम नहीं करता। ये लोगों को भय रहता है या प्रचार करते हैं, अगर अपना चेहरा चमकाते हैं, अपना ये करते हैं, ये तो हर नेता में होता है। कोई आदमी जब काम करेगा तो उसका प्रेजेंटेशन और उसका रिप्रेजेंटेशन तो चाहे, और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कोई, कि देश में लोग घर में बछड़ा भी मरता है तो उसकी अंत्येष्टि करने के लिए पूरा जिला इकट्ठा कर लेते हैं। उनकी माँ जिस सबसे ज़्यादा उनका लगाव था, उनकी डेथ हुई, सवेरे प्लेन से उड़ के वहाँ पहुँच गए और 2 घंटे में ठठरी पे बांधा, नंगे पैरों से वहाँ पहुँचा दिया, लौट के वापस कलकत्ता की मीटिंग एड्रेस कर दी 3 बजे। मतलब उसमें केवल देश के लिए समर्पित है। और वो चाहता तो मालूम क्या तमाशा होता, पूरे देश के मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी, कंतरी सब वहीं पे खड़े होते, तो एक क्याओस हो जाता। अब जैसे बाबा है यहाँ पे योगी आदित्यनाथ, उनके पिताजी खत्म हुए, मैं उस समय वहीं था, अल्मोड़ा में ही था उस समय, और कोई अंत्येष्टि हुई लेकिन बाबा मानेंगे को कहना ये था कि मुझे जिस जगह बिठाला गया है मेरा पहला दायित्व वो है। रहे पिता की बात, तो मेरे वो बात पिता इसलिए नहीं है कि मुझे तो 14 साल की उम्र में इस मठ ने एडॉप्ट कर लिया। अभी उनकी बहन भी मिली थी किसी प्रोग्राम में, उनको चलते फिरते 15 मिनट में बात कर गए, वो निकले, उन्हें कोई लगाव नहीं किसी चीज़ से, वो भी बिल्कुल समर्पित आदमी है। तो ऐसे लोग राजनीति में आने चाहिए, इनकी ज़रूरत है। देश में सर नई शिक्षा नीति आकार ले रही है, ड्राफ्ट तैयार हो गया है, धीरे धीरे काम भी उस पर चल रहा है। आपके अनुसार ऐसे क्या मेजर चेंजेस हैं जो भविष्य में देखने को मिलेंगे इस शिक्षा नीति के वजह से? शिक्षा नीति जब पास हुई थी उसमें देश के सारे कुलपति थे, उनसे अप्रूवल कराया गया था, मैं उस मीटिंग का पार्ट था।
तो नसंग जी शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा में एचआरडी मंत्री थे और जावड़ेकर जी आउटगोइंग मंत्री थे। तो उन्होंने वहाँ प्रस्ताव रखने का प्रयास किया मंच पर खड़े होकर, मैं नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट पेश करना चाहता हूँ। तो मैं अकेला आदमी था जो अखबारों में भी छपा हुआ, मैं कहा ये संवैधानिक सवाल है मान्यवर। पूरा हॉल मेरी तरफ देख रहा था, कोई कुलपति की हिम्मत है मंत्री के सामने ऐसे बोलेगा। मैंने कहा मान्यवर आप जो नीति पेश कर रहे हैं वो आप मंत्रालय आपका है ही नहीं, आप मानव संसाधन मंत्री हैं, पहले शिक्षा मंत्री बनिए ना, पहले अपने मंत्रालय का नाम बदलिए। तब जावड़ेकर जी ने उस बात को अप्रिशिएट किया कि हाँ पीसी साहब इज राइट। तो मैंने पहला प्रस्ताव रखी है कि हम इसका शिक्षा मंत्रालय का नाम एचआरडी मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर रहे हैं और वो पारित हुआ, पूरे हाउस में क्लैपिंग हुई। उसके बाद फिर सवाल आया तो मैंने कहा मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आपने एमफिल का कोर्स है, वो एमफिल का कोर्स चलता है एक साल के लिए क्योंकि उसमें रिसर्च मेथडोलॉजी सिखाई जाती है, लेकिन आप एक साल के कोर्स को दो साल में तीन साल में घसीट रहे हैं, तीन साल में पीएचडी हो जाती है, तो ये बच्चों को कितना बड़ा सोचना है, इस कोर्स को क्यों चला रहे हैं, इसको बंद करिए ना, रिसर्च मेथडोलॉजी छः महीने के जोड़ दीजिए पीएचडी के साथ। अब वो एडॉप्ट हुआ। उसके बाद मैंने कहा ये मेरा फील्ड नहीं है कि मैं हायर एजुकेशन का आदमी हूँ, लेकिन स्कूलिंग से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है जो मैं फील करता हूँ कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दो बोर्ड हैं, पैरेलल काम करते हैं और दोनों में नकल कराने के ठेके उठते हैं, नकल रोकने के ठेके उठते हैं और पूरा आपका प्रशासन इसमें लगा रहता है, पूरे माफिया इसमें जुटे रहते हैं और सबसे बड़ा करप्शन का अड्डा है वो। मुझे ये बता दीजिए देश में क्या हाई स्कूल पास कोई चपरासी भी बनता है क्या? तो मैंने दो दो बोर्ड क्यों चला रहे हो आप, हाई स्कूल को ख़त्म कर दो, वो मैं एग्जाम में जाने दो, इंटरमीडिएट बोर्ड को अकेले को चलने दो, उसकी पॉसिटी को बना के रखें, पवित्रता बनी रहे कम से कम, ठीक से एग्जाम हो। तो उस पर सब लोगों ने क्लैपिंग किया और वो प्रस्ताव में पास हुआ, वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए शायद अब ला गया होगा। दूसरा इसका जो आस्पेक्ट है उसमें यह है कि ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया है। वो ग्रेडिंग सिस्टम से यह है कि कोई छात्र फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, उसका टेस्ट नहीं बन पा रहा है, वो उसको छोड़ना चाहता है तो फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ सकता है, स्ट्रीम चेंज कर सकता है। तो इसका ग्रेडिंग सिस्टम उधर ट्रांसफर हो जाएगा, जो क्रेडिट सिस्टम, हाँ, और वो क्रेडिट जो है उसको आगे तक टेक ओवर करता रहेगा, चलता रहेगा। तो इस क्रेडिट सिस्टम से बच्चों की जो मेधा का दुरुपयोग हो रहा था वो नहीं होगा। एट ए टाइम दो कोर्स कर सकते हैं, आपकी क्षमता है तो करिए, हमने खुद किया था, पीएचडी के साथ एलएलएम किया हमने, उसमें प्रोविजन था। तो मतलब ये है मेरा कि इसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंटेशन में इट विल टेक टाइम। आप पर्यावरण समिति के चेयरमैन भी रहे भारत सरकार के, अप्रेजल अथॉरिटी थी, अप्रेजल अथॉरिटी थी, राइट। तो सभी देश पूरी दुनिया के कार्बन एमिशन रोकने पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। अभी COP26 की जो मीटिंग हुई थी उसमें सबने अपने अपने वादे भी किए। मेरा ये मानना है देश जिस हिसाब से प्रगति कर रहा है, क्या कार्बन एमिशन को रोकना संभव है और इसमें अपने भारत का योगदान किस तरीके का होगा भविष्य में आपके अनुसार? देखिए कार्बन एमिशन रोकने के लिए जो इनिशियल स्टेप्स थे वो गडकरी जी के लेवल से शुरू हुए हैं। उन्होंने गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल से कन्वर्ट करके बैटरी पे और इधर उधर शिफ्ट किया है, हाँ, एथेनॉल की कॉस्ट कम कर रहे हैं, एथेनॉल पे 10% से 20% से ला रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो मैक्सिमम पॉल्यूशन है उसका व्हीकुलर पॉल्यूशन जो है दैट इज द मोस्ट प्रायोरिटी, उसको रोकना जरूरी है। दूसरा जो बड़ा काम मोदी जी ने किया, घर घर चूल्हे पहुंचा दिए, घरों में जो ईंधन था वो जलता था और उस ईंधन से मैक्सिमम महिलाओं की परेशानी दूर हुई, वो तो एक बात है, लेकिन जो धुआं का जो अडम्बार था, कार्बन ऑक्साइड्स उससे क्रिएट होते थे, वो उस काम को रोका गया। गैस पीएनजी सीएनजी जो भी हैं उनको इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन में लाया जा रहा है कि उससे कार्बन एमिशन हमारा कम होगा और घटा भी है। अभी तक मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे मालूम है कि इस टेन्योर में जो पॉल्यूशन का लेवल था वो पिछले साल से काफ़ी नीचे आया है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें भी यही इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या गैस से चलाइए,
कोयले से मत जलाइए, कोयले वाले मिनिमम यूज करिए। तो जो कंपोनेंट्स पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं उन सारे कंपोनेंट्स को डाउन करने का काम किया जा रहा है हमारे देश में, प्रायोरिटी पर हो रहा है ये काम। लेकिन हमारे देश का सबसे बड़ा कर्ज है पॉपुलेशन। जिस देश में आज़ादी के समय 35 करोड़ आबादी थी, उस देश में आज 140, 145 और शायद 50 करोड़ आबादी। सेंसस के डिटेल्स आएंगे तो सेंसस के डिटेल्स ही पूरे नहीं आ पाएंगे। जो फुटपाथ पर पड़े हैं, सड़क पर पड़े हैं, जंगल में पड़े हैं, उन कौन गिनती करने जा रहा है? तो मकानों में तो गिनती कर रहे हैं, उसके बाहर वाले कौन कर रहा है? तो यहाँ का गरीब तबका वहाँ तक पड़ा है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया जाता तो सारी समस्याओं की रूट कॉज वही है। मतलब आपका मतलब ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है आना चाहिए? पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं आना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। मैंने कहता उसको बैकड्रॉप ले जाओ, मतलब आज की डेट से भी लागू कर दो। जैसे पंचायतों में दो बच्चे का नियम लागू किया राजस्थान में, मध्य प्रदेश ने किया, उत्तराखंड ने किया, फिर कोर्ट से अड़ंगेबाजी आ गई, यूपी में शायद लागू नहीं हो पाया। तो ये ऐसे इनडायरेक्ट तरीके भी बहुत से हैं, जो संजय गांधी वाले तरीके से सबको डर लगता है कि उससे कांग्रेस की पार्टी गवर्नमेंट चली गई थी, लेकिन वो नहीं है। पॉजिटिव तरीके से सोचिए ना, पॉजिटिव तरीके से आप उनको इंसेंटिव दीजिए कि जिस फैमिली में दो बच्चे होंगे उसको इतना इंसेंटिव देंगे, जिसमें एक बच्चा होगा उसको इतना इंसेंटिव देंगे, तो उससे लोगों का अट्रैक्शन बनेगा इस लाइन की ओर, हम इसके तरफ फोकस करें। कि तो ये बहुत ज़रूरी है देश का, जब तक पब्लिक कंट्रोल ये नहीं होगी तब तक सड़क पर भीड़ घूम रही है, उतनी भीड़ आपके रेलवे स्टेशन पर है, उतनी बस स्टैंड पर है, एयरपोर्ट पर चले जाइए वो भी खाली नहीं है, तो कहाँ ले जाओगे इस पॉपुलेशन को? आपके रिसोर्स आ जाएँ, चार थाली हैं उसमें खाने वाले 8 आ जाएंगे तो कितना बचेगा? वो खाने वाले 18 आ जाएंगे तो क्या होगा? वो हालत हो रही है हिंदुस्तान की। एक सर एक सवाल अक्सर मुझे लगता है, आपने जैसे बताया कि चौधरी चरण सिंह जी के साथ संघर्ष किया और उसके बाद छात्र राजनीति भी की, फिर आप प्रोफेसर रहे तो ओटा के जो अध्यक्ष भी रहे, तो मेरा ये मानना है कि अब मैं देख रहा हूँ कि यूथ पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। पहले ऐसा नहीं था, 2015 के बाद इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है और इसके कई साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। आपके अनुसार किसी युवा को आज अगर राजनीति में कदम रखना है तो ऐसी क्या मिनिमम बेयर एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए जो व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए राजनीति में जाने के लिए, क्योंकि अब संघर्ष का दौर तो रहा नहीं। मेरा अपना सोच है और उस सोच को चौधरी चरण सिंह ने लागू किया था, उस दिन से मैंने पकड़ा था। उनका कहना था कि भैया 40 साल तक के लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि 40 साल तक गृहस्थी का बाहर होता है। पहले परिवार को संभालिए, परिवार को एस्टेब्लिश करिए, अपने आप को एस्टेब्लिश करिए, उसके बाद आप राजनीति में कदम रखिए। ऐसा करेंगे तो राजनीति में करप्शन कम होगा। सीधा यूथ जो मतलब वोट की राजनीति में हम लोग चिल्लाते हैं कि 25 साल पर दे दो वोट राइट, फिर 21 साल पर दे दो वोट राइट, 18 साल पर दे दो वोट राइट, फिर कहते हैं उस पर कैंडिडेट भी बना दो, तो वो क्या करेंगे? जिस पर रोजी रोजगार का साधन नहीं है अपना, वो क्या करेगा? कराएगा राजनीति को रोजगार बनाएगा। तो इस चीज़ को मैं खुद भी पक्षधर हूँ, ये बात अपनी जगह प्रैक्टिकल है कि आपको राजनीति में तब कदम रखना चाहिए जब आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर लें। और जो मोदी जी आज कहते हैं परिवारवाद से दूर, परिवारवाद से दूर तभी रह सकती है राजनीति जब सेल्फ स्टैंडिंग वाले बच्चे खड़े हों, जो राजनीति को मिशन बना करके काम करें, राजनीति को बिजनेस बना के काम नहीं करें। राजनीति व्यसन नहीं है, लेकिन अब तो जनसेवा का माध्यम था और जनसेवा का माध्यम खत्म हो गया। अब एक MP बनने के लिए 10-15 करोड़ चाहिए, एक MLA बनने के लिए 2-3 करोड़ रुपये चाहिए। तो आप अगर बेरोजगार हैं, सीधे कॉलेज लाइफ से निकले और पहुंच गए राजनीति में, तो आप क्या करेंगे? पहले कहेंगे पहले मैं 50 गाड़ियों का काफिला खरीदूं। एक वैसे आपसे पूछने के लिए तो इतने सवाल है, मुझे लगता है रात हो जाएगी और रात हो भी गई है, अंधेरा भी हो गया है। मैं एक चीज जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि अभी लोगों की जीवन इतना आपाधापी भरा हो गया है, चाहे छात्र हो चाहे कोई नौकरी पेशे वाला व्यक्ति हो, और इसके लिए मुझे लगता है पर्सनली कि आध्यात्मिक चेतना दोबारा से बहुत जरूरी है लोगों के अंदर लाना। तो एक कुलपति के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में, आपके अनुसार अध्यात्म का क्या स्थान होता है एक किसी व्यक्ति के जीवन में? अध्यात्म का उतना स्थान होता है जितना खाने में रोटी के साथ सब्जी के साथ चटनी का होता है।
मेरी दृष्टि से आध्यात्म कोई जीवन शैली नहीं है। आध्यात्म हमें अपने आप को रिफॉर्म करने का तरीका है। हम पढ़ें, समझें, सदाचार पैदा करें, हम कल्चर पैदा करें अपने अंदर, यहाँ तक तो आध्यात्म सही है। लेकिन आप चाहें आध्यात्म बन करके सन्यासी बन के घूमते रहें, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। मतलब नौजवान पीढ़ी पढ़ लिख कर के बाहर निकले, यूनिवर्सिटी से लीडरशिप निकलती थी, कॉलेजों से लीडरशिप निकलती थी और वो क्रांति खड़ी करती थी, तो वो स्टेज अगर आध्यात्म चले गए तो वो ख़त्म हो जाएगी। आध्यात्म का दुपट्टा आपने उड़ा दिया तो क्रांति की बात ख़त्म हो गई। तो आध्यात्म को एक मिनिमम सीमा तक रखा जाए, क्या हम उसके मौलिक सिद्धांत सीखें, उसको एक बुकलेट के रूप में लें और वो हाई स्कूल से इंटर से लेकर ग्रेजुएशन तक चलाएं, वो तो चलता है। लेकिन आध्यात्म टोटल जीवन शैली बना लें, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। मैंने स्वामी विवेकानंद की 8 फुट की मूर्ति हाई कोर्ट के ठीक सामने कुमाऊं यूनिवर्सिटी में खड़ी की और उनके नाम से पीठ कायम की, और जो जितने हमारे उत्तराखंड से जुड़े हुए संत महंत थे, बाबा नीम करौली भी थे जैसे, मैंने उन सब के उसमें पाठ्यक्रम में शामिल कराए। तो उससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है, लेकिन वो प्रेरणा का मतलब थोड़े के केवल इसी में लगे रहें, भाई तुम्हें साइंस भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, बायो भी पढ़नी है, कंप्यूटर भी पढ़नी है, तो आप केवल इसी में उलझ जाएंगे तो नहीं देश चलने वाला है। एक नौजवान पीढ़ी को तो बड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आज इतनी भीड़ आ गई है, देश में कितना नौजवान है, 40 करोड़ से ऊपर नौजवान है जो बेरोजगारी की लाइन में खड़ा है, उसको रोजगार कहाँ से आएगा? अब मोदी कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिए, लेकिन वो भी कितना कर लेंगे आप? तो इसलिए नौजवान राजनीति में भाग है, इसमें भाग है, वो इस समय बिल्कुल उवापोह की स्थिति में है, वो समझ नहीं पा रहा है कि हमें क्या करना है। और उसका बेसिक कॉज रोजगार या बेरोजगारी है। आपसे सर बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे तो उम्मीद है ये हमारी पहली बातचीत नहीं है, आगे भी होती रहेगी, तो मुझे लगता है जिज्ञासा हमारी भी शांत नहीं होगी, आपसे और बात होती रहेगी।